दोस्तों यहाँ पर यूपी बोर्ड के जो भी स्टूडेंट यहाँ पर छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किए हैं उन सभी स्टूडेंटों को यहाँ पर इतना सारा प्रॉब्लम आ रहा है, यानी कि बता रहे हैं कि सर यहाँ पर मेरा जो OTP वेरीफाई नहीं हो रहा है, यहाँ पर मेरा फाइनल प्रिंट नहीं निकल रहा है, यहाँ पर मेरा जो यानी कि पूरी तरह से यानी कि फॉर्म मेरा लॉक नहीं हुआ, पूरी तरह से सबमिट नहीं हुआ, वहाँ पर ग्रीन टिक नहीं लगा है, OTP वेरीफाई हो चुका है मगर वहाँ पर OTP वेरीफाई पर ग्रीन टिक नहीं लगा है, यहाँ पर सब कुछ जानकारी यहाँ पर दे। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर बहुत से स्टूडेंट को यहाँ पर प्रॉब्लम है कि मेरा OTP तो वेरीफाई हो चुका है लेकिन यहाँ पर मेरा ग्रीन टिक नहीं लगा है। तो यहाँ पर मैं आपको सब यानी कि सब डिटेल्स को मैं क्लियर करूँगा, बारीक बारीक से मैं आपको सब कुछ जानकारी बताऊँगा किन स्टूडेंटों को क्या करना चाहिए और क्या यदि आपका OTP वेरीफाई सब प्रॉब्लम आ रहा है और जिन स्टूडेंटों का यहाँ पर यानी कि आवेदन है तो यहाँ पर प्रिंट करना है, यहाँ पर प्रिंट नहीं कर पा रहे हैं तो वो भी यहाँ पर आपको जानकारी देने वाला हूँ। तो वीडियो के साथ शुरू से लेकर अंत तक बने रहेगा। तो चलिए दोस्तों आज की जो कमाल की वीडियो है बिना देर का शुरू कर लेते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम पाठक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पार्टी की सोल्यूशन। दोस्तों आज की जो कमाल की वीडियो है बिना देर का शुरू कर लेते हैं। तो सबसे दोस्तों यहाँ पर मैं आपको सारी प्रॉब्लम्स को स्टेप बाई स्टेप जाकर यहाँ पर सब कुछ जानकारी देने वाला हूँ जिन स्टूडेंटों को यहाँ पर यानी कि बता दे बहुत से स्टूडेंटों का यहाँ पर ये प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। सबसे पहले यहाँ पर आपको OTP बोलकर जाता हूँ जिन स्टूडेंटों का यहाँ पर OTP वेरीफाई पर ग्रीन टिक नहीं लगा है, यहाँ पर आपको बता दूँ कि आपका OTP वेरीफाई हो चुका है तो यहाँ पर आपका ग्रीन टिक जरूर लगेगा। यहाँ पर यदि आपको OTP वेरीफाई हो जाएगा, यदि यहाँ पर आपका अपडेट नहीं हुआ इसलिए यहाँ पर आपको ग्रीन टिक नहीं लगा है, यदि आपका अपडेट हो जाएगा तो यहाँ पर आपका ग्रीन टिक लग जाएगा यदि आपको OTP वेरीफाई हो तो। यहाँ पर आप दोस्तों बात कर लेते हैं जिन स्टूडेंटों का यहाँ पर आवेदन तो प्रिंट यानी कि लॉक नहीं किए, यानी कि इस पर लॉक नहीं किए हैं तो यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि यदि जब भी आप प्रिंट लॉक नहीं किए हैं तो यहाँ पर दोस्तों यानी कि आपको जो डेट है यानी कि 28 तारीख तक इसका पूरा डेट है, यानी कि दोस्तों आपको बता दूं कि 25 तारीख का जो डेट था वो यानी कि रजिस्ट्रेशन है तो यहाँ पर डेट था, यानी कि आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है तब यहाँ पर यानी कि 25 तारीख तक इसका लास्ट डेट है, यानी कि 25 तारीख तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं थे। यहाँ पर दोस्तों अब बता दीजिए कि मेरा जो प्रिंट है वो लॉक नहीं हुआ है तो यहाँ पर आप यानी कि बार बार ट्राई कीजिएगा। यहाँ पर बहुत से स्टूडेंट का ये भी प्रॉब्लम है कि मेरा सर यहाँ पर पॉपअप आ रहा है, लास्ट डेट इंडेट का यहाँ पर पॉपअप आता है तो मैं यहाँ पर अपना प्रिंट है टू निकालना जाता था, यहाँ पर जैसे मैं यहाँ पर प्रिंट है टू जमा कर निकालने जाता था तो यहाँ पर मेरा भी वहाँ पर 10-15 बार यहाँ पर प्रॉब्लम आया, उसके बाद यहाँ पर यानी कि सबसे बाद यानी कि उसके बाद यहाँ पर मेरा प्रॉब्लम अब नहीं आ रहा है। जैसे कि मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरा प्रिंट आउट निकल जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो बहुत से स्टूडेंट का यहाँ पर उनका फोटो का भी प्रॉब्लम आता है तो मेरा फोटो भी यहाँ पर सब कुछ है यहाँ पर, यानी आपको जो भी यानी कि यदि आपको निकल जाता है तो नीचे कमेंट करिए सर मेरा निकल चुका है। दोस्तों यहाँ पर अगर यहाँ पर यदि आप प्रिंट आउट निकल जाता है दोस्तों तो यहाँ पर आपको एक बात और जानकारी देनी होगी, यहाँ पर आपको सब कुछ जो करेक्शन यानी कि सब कुछ यहाँ पर देख लीजिएगा जो यहाँ पर जो भी आपने दिया था वो गलती है या नहीं है, तो यहाँ पर वो बात देखने के बाद यहाँ उसके बाद यहाँ पर दोस्तों ये प्रॉब्लम आ रही है यानी कि जाँच है तो यहाँ पर इस वाले टिक पर यानी कि जब आप सबमिट करना जाते हैं यहाँ पर लॉक करने जाते होंगे अपने प्रिंट आउट को तो यहाँ पर वो भी प्रॉब्लम हमारे स्टूडेंटों का, सर मेरा प्रिंट आउट ये लॉक नहीं हो रहा है, यहाँ पर ये ग्रीन टिक नहीं लगा है। तो यहाँ पर दोस्तों यदि आपका ये ग्रीन टिक नहीं लगा तो इसका 28 तारीख है, 28 तारीख के अंदर आपको ग्रीन टिक लगाना होता है यानी कि इसके अंदर आपका ग्रीन टिक लग जाना चाहिए, यानी कि 28 तारीख तक आपका वेट करते रहना यानी कि ट्राई करते रहना, यहाँ पर 28 तारीख तक आपका ग्रीन टिक लग जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों यदि आपका जमा है तो यहाँ पर प्रिंट आउट का भी टिक नहीं लगा है तो इसका भी डेट 28 तारीख है यानी कि आज से यानी कि 2 दिन डेट बचे हुए हैं। दोस्तों यहाँ पर 48 घंटे का पूरा डेट है, यहाँ पर आपको 48 घंटे के अंदर आपको पूरी डेट यानी कि सबमिट करनी होगी, यहाँ पर 48 घंटे यहाँ पर आपको वेट करना है। दोस्तों यदि आपको इसमें से कोई भी प्रॉब्लम आता है तो यहाँ पर सब कुछ आपका यानी कि सही हो जाएगा, जो भी आपका OTP वेरीफाई नहीं हुआ यानी कि OTP यहाँ पर डाल दिए, यहाँ पर इसका ग्रीन टिक नहीं लगा। दोस्तों यहाँ पर आपका OTP जब यहाँ पर नया OTP यानी कि डेमोग्राफी में जब भी आप अपना आधार नंबर डालकर OTP वेरीफाई करेंगे तब ये नहीं होगा, यदि आपका OTP वेरीफाई यानी कि 25 तारीख से पहले हो चुका है तब यहाँ पर आपका ग्रीन टिक लग जाएगा, ये आपको जानकारी देना चाहता हूँ। यदि आप अभी जाएंगे ग्रीन यानी OTP वेरीफाई करने के लिए तो वहाँ पर ऐसी बात बताएगा, लास्ट डेट इंडेड यहाँ पर बताएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको फिलहाल यही जानकारी देना चाहता हूँ, यदि आपको इससे संबंधित कोई कन्फ्यूजन कोई दिक्कत या कोई आपको प्रॉब्लम का सामने आता है यहाँ पर नीचे कमेंट कर सकते। दोस्तों यहाँ पर मैंने व्हाट्सअप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, वहाँ पर जाकर आप व्हाट्सअप से भी कॉन्टैक्ट कर। दोस्तों यही आपको जानकारी देना चाहता हूँ। तो फिलहाल अपने चैनल को सब्सक्राइब करिए तो बहुत धन्यवाद, नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि इससे संबंधित अगली वीडियो को सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके ताकि आप सबसे पहले अपडेट रहें।